ब्लैक पेस्टेड का पूरा निकालने का लाइव वीडियो अगर आपको देखना है तो फेसबुक में ज्वाइन करना। कौन कौन यहाँ पे लाइव है ब्लैक पेस्टेड निकाल के बताएगा आने वाले वीडियो में। तो हाय मेरी यूट्यूब की फैमिली, मेरा नाम है देवदन अग्रवाल और मेरे साथ में है मेरा 28 जून का बैच, यहाँ पे दिखा दीजिए। बताइए यहाँ पर जो जब आप पहले दिन यहाँ पर आए थे तो किस किस ने पहले दिन में रिबॉलिंग ज्वाइन कर ली थी अपनी, हाथ उठा के बताइए। सभी लोग ने यहाँ पर रिबॉलिंग कर ली थी परफेक्टली। अब तक यहाँ पे बताइए हाथ नीचे की, कौन कौन ऐसे हैं यहाँ पर जो चालू है सीपीयू निकाल के लगा चुके हैं पावर एसी और इमेंसी, यहाँ पे दिखाइए। यहाँ पे आप सब निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर आईसीओ का काम कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आइए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है हमारा 28 जून का बैच जहाँ पर अपने स्टूडेंट का थोड़ा सा एक रिव्यू ले रहे हैं ताकि हम बता सकें कि ये स्टूडेंट ये कितना सीखा है और कितना यहाँ पर ये इम्प्रूव हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बताओ फ्रेशर कौन है यहाँ पर, कोई फ्रेशर है क्या यहाँ पर? जो फ्रेशर है हाथ उठाओ, जो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्रेशर है, सिर्फ इतने लोगों को छोड़कर वहाँ पर बहुत सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं कुछ ना कुछ सालों का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा पूछते हैं कि इनका क्या रहा एक्सपीरियंस और फीडबैक बताएंगे, क्योंकि अभी तक इनकी ना सॉफ्टवेयर की क्लास बची हुई है, इनकी इमेंसी की क्लास बची हुई है और हमारा सिर्फ हार्डवेयर कंप्लीट हुआ है, सॉफ्टवेयर का एक दिन कंप्लीट हुआ है। तो चलो सबसे पहले मैं इनको उठाऊंगा, तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम देवलाश चौहान है। देवलास मुझे बताओ कहाँ से आए हो आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। एसर टेलीकॉम क्यों चुना बताओ? एसर टेलीकॉम का नाम सुना था, बहुत बेस्ट है इसीलिए, और यूट्यूब पर वीडियो भी देखा। अच्छा मुझे बताओ कि देवलास अब यहाँ जाने के बाद किसी को रेफरेंस दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे सर। बिल्कुल दोगे? क्यों दोगे, ऐसा क्या लगा तुमको यहाँ? यहाँ पर सब चीज बारीकी से सिखाया जा रहा है, बारीकी से बताया जा रहा है, एक एक छोटी छोटी चीज को कैसे फिल्टर होता है रेजिस्टेंस, एक एक कहाँ कहाँ सप्लाई जाती है, पूरा डायग्राम के साथ सब मैनुअली और प्रैक्टिकली बताया जाता है यहाँ पर, बताया जाता है। चलो ठीक है, आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्योंकि ना ज्यादातर जो यूट्यूबर्स या ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं ना वो सब फीडबैक लेते हैं, पर से भी एसर टेलीकॉम अपने स्टूडेंट से लाइव सवाल भी पूछेगा ये कि इनको कुछ याद है या रिवीजन में इन्होंने किया है या वो चीज जो कि हमने उनसे बोल रहे हैं कि उनको आती है कि नहीं आती है। मुझे ये बताइए कि अभी मोबाइल फोन में डायरेक्ट हम जब बैटरी लगाते हैं तो अब PFO डायरेक्ट शॉर्ट क्यों नहीं होता, या तो यहाँ पे हम बात करें सॉरी आपकी बैटरी कनेक्टर डायरेक्ट शॉर्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि शॉर्टिंग हो रही है ना, शॉर्टिंग में आ रहा है तो डायरेक्ट बैटरी शॉर्ट क्यों नहीं हो रही बताइए? क्योंकि उसमें डीसी टू डीसीआईसी लगी होती है। तो डीसी टू डीसीआईसी का एक नाम बताओ, मतलब एक आईसी का कौन सा नाम है, मतलब कोई सी भी एक नाम? BQIC और भी नाम आया जैसे हम किसी और से पूछ लेंगे, ठीक है सारे नाम पता है आप सबको पता है यहाँ पर, हाथ उठा के बताइए। डीसी टू डीसी सर्किट अगर मैं सबसे बोलूं तो सब बना के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? सब बनाएंगे अभी लाइव में डीसी टू डीसी सर्किट और एक लाइव का सेक्शन में इनके बनवाऊंगा, पूरा वीडियो जरूर देखना। मुझे एक बात बताओ कि अभी के फोनों में फॉल्ट आ रहा है कि सर चार्जर लगाने पर ऑन हो रहा है पर बैटरी लगाने पर ऑन नहीं हो रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है? डीसी खराब होगी चाहे उसको उसका पैड मिस होगा। पर पहले तो किस पे काम करोगे? पहले हम डीसी टू डीसीआईसी निकालेंगे, फिर उसका पैड चेक करेंगे डायग्राम से सबको चेक करना आता है यहाँ पे, सबको चेक करना आता है डायग्राम से। किस किस के बाद में यहाँ पे बोर्ड नहीं हुआ हाथ उठा के बताओ, यहाँ पर किस किस के बाद में यहाँ पे UFI है हाथ उठा के बताओ। देखो यार क्यों रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आप सिर्फ खाली हाथ होकर अपना मुंह लेकर आओगे तो आप सीख तो लोगे, पर आप जो अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट के साथ या जो डिवाइस के साथ प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा ना वो आपको यहाँ मिलेगा, ताकि उनको पता है कि यहाँ से जाने के बाद में उनको प्रैक्टिकल लगातार करना है, डेली करना है। ये रिवीजन और ये एक प्रैक्टिस का जॉब है, ये नहीं है कि आगे किसी इंस्टीट्यूट सीख लिया और महारथी बन गए, ये सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? चलो एक लास्ट बार बताओ कि अगर कोई एसर टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो क्यों करे? क्योंकि यहाँ पर अच्छा से अच्छा सिखाया जाता है, एक एक चीज़ को सिखाया जाता है, आईसीयू को रिवॉल्विंग करना, बैठा कर पढ़ाना, सब चीज़ मतलब अच्छे से, और पूछताछ भी हमेशा मतलब पूछते रहते हैं आप लोग कि क्या क्या पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, एक बार पूछो बताओ कि सब चीज मतलब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि टीचर अपने चले गए स्टूडेंट काम करते रह रहे हैं, या कभी भी टीचर गए चाय पी कर आ गए, या कभी ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ। टाइमिंग को लेकर या किसी भी चीज को लेकर यहाँ पे स्ट्रिक्ट आपको मिला है तो डिसिप्लिन में, स्ट्रिक्ट नहीं बोलेगा उसको, डिसिप्लिन बोलेंगे, डिसिप्लिन होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। ठीक है, एक बार देवदास के लिए जोरदार ताली बजाइए। आप आपका नाम बताइए। महाराष्ट्र से इतनी दूर जबलपुर यार दिल्ली बॉम्बे कहाँ नहीं जा सकते थे, तो ऑलरेडी महाराष्ट्र, व्हाई यू चूजिंग एसर टेलीकॉम बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आपने ये कहाँ से सुना था, कैसे सुना था, आप कैसे आए, रेफरेंस से आया, क्या दिख कर आया? मैंने यूट्यूब के वीडियो देखे थे। ओके तो वीडियो में आपको लगा कि जो ये रिव्यू आप देखते थे वीडियो में आपने क्या पाया? देखो क्योंकि मैं आपसे ना बिल्कुल दिल से बोल रहा,
मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि रिव्यू तो हर इंस्टीट्यूट वाले अपने आजकल स्टूडेंट को दे रहे हैं, तो आपको खास क्या लगा कि हमारे या तो हम बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत पहले से काम कर रहे हैं या हम नए हैं, क्या लगा आपको कि यार इसे टेलीकॉम जाता हूँ मैं वहाँ नहीं जाता? मैं स्टूडेंट के रिव्यू देख के आया, स्टूडेंट के रिव्यू और उनके फीडबैक पॉजिटिव, तो अब आपको क्या लग रहा है क्योंकि आपका ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, अब आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर बताइए? हीरो से हीरो बनने आपको पहले कुछ भी नहीं पता था, अभी आपको कैसा लगता है क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन मेरे बीच बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी 5-10 साल काम किए हैं, अब उनके साथ बैठ के कैसा लगता है आपको काम करके, मतलब कैसा फीलिंग होता है कि अब मैं बिल्कुल जीरो नहीं हूँ ऐसा वाली, ऐसा लगता है फीलिंग? चलिए ठीक है, मैं आपने आईसी निकाली थी यहाँ पे, पूरा चालू मोबाइल से निकाल के चालू की थी, अगर मैं कोई सी भी आईसी दूँ तो रिवॉल्व कर सकते हैं आप इनका वीडियो भी देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इन सबके वीडियो देखना है लाइव तो आप हमारे फेसबुक चैनल पर जाइए, लिखिए फेसबुक पर एसे टेलीकॉम और वहाँ उनको हमारे को फॉलो कीजिए, आप इनके सबके हमने वीडियो डाले हुए हैं, उसके साथ में ऑलमोस्ट हमारे जितने पुराने बैचेस हैं उनके भी वीडियो हमने डाले हुए हैं, और आप मेरा चैनल देवदत्त अग्रवाल पर जा सकते हैं और वहाँ पर रील पर देख सकते हैं, थोड़े थोड़े आउटपुट उनको वहाँ मिलेंगे, और इंस्टाग्राम आई डी पर जाइए और लिखिए इंस्टाग्राम पर मेरा नाम देवदत्त अग्रवाल, इसके साथ हमारी एक यूट्यूब चैनल है देवदत्त अग्रवाल के नाम से, यह आप वीडियो देख रहे हैं ऑफिशियल चैनल हमारा एसे टेलीकॉम का, और एक चैनल हमारा एक और है एसे टेलीकॉम हमारे स्टूडेंट आउट रिव्यू का जो कि लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, उसके साथ हमारे दुर्गेश सर का चैनल है स्मार्ट टेलीकॉम और उनके आप जा सकते हैं फेसबुक के स्मार्ट टेलीकॉम ऑफिशियल चैनल पर जो कि फेसबुक पे है। मुझे बताओ कि डिस्प्ले सेक्शन की बात करते हैं, अगर डिस्प्ले सेक्शन में डिस्प्ले आईसीओ के नाम बताइए। PMI, PML नहीं लगाया तो फिर क्या लगाया बताइए? 14 वर्ग है। देखिए ये एक होता है कि फ्रेशर बच्चा जब सीखता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पर इतना बोलना ये इतना पता करना तभी है, ये आपको आपने सिर्फ देख कर पढ़ के तो नहीं देखा ना, पूरा प्रैक्टिकल बताया कि नहीं बताया कि 15 बोल के अंदर या फिर पूरा GR एक्यूजेट बताया कि नहीं बताया? कॉपी बताइए जरा अपना, दिखाइए 15 बोल का सर्किट दिखाइए, देखिए आप सब लोग निकालो 15 बोल का सर्किट, एक बार हम 15 वोल्ट का सर्किट सबको दिखाइए कि बनाया है कि नहीं बनाया है, सिर्फ बातें तो नहीं हो रही है यहाँ पर, दिखा दो 15 वोल्ट का सर्किट दिखाइए, कोई बात नहीं ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ कॉपी ले आओ, दिखाओ 15 वोल्ट का सर्किट दिखाइए, यो जो मैं पूछूंगा, और देवलाल आप DC to DC दिखा दो, 15 मत दिखाओ आप DC to DC दिखा दो क्योंकि आपसे DC to DC पूछा था, ये देखिए यहाँ पर देखिए 15 वोल्ट का पूरा सर्किट यहाँ पर, ये देखिए ये डिस्प्ले की पूरी सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिखाइए आपका ये देखिए 15 बॉल का सर्किट यहाँ पर, ये देखिए 15 बॉल का सर्किट, एक बार ऊपर कर दो कॉपी अपनी, ये देखो 15 बॉल का सर्किट हर एक से बनवाया, और ये बनवाया ये नहीं कि सिर्फ जहाँ पे बोर्ड पे बना दिया, यहाँ बोर्ड दिखाओ कुछ नहीं लिखा, देखो बोर्ड पे बनवा दिया, तो ये नहीं कि बोर्ड पे बनवा दिया और लोग ने लिख लिया, पूरा प्रैक्टिकल लाइव निकाला है, हर एक पैड पे आपको GR और वोल्टेज चेक करवा के बताया है यहाँ पर, देखो देखो, तो दोस्तों ये देखिए डिस्प्ले आईसी 15 वोल्ट का यहाँ पर सब A to Z पैड डिटेल के साथ में बताई गई है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर ये डिस्प्ले का काम आया है तो ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है आप मुझे बताओ, अगर कोई आप स्टूडेंट को रेफरेंस करोगे तो क्यों करोगे आप एसे टेलीकॉम क्यों, ठीक है बताइए एसे टेलीकॉम क्यों आए? एसे टेलीकॉम आप आना चाहते हैं तो जरूर आइए, यहाँ से यहाँ डिस्प्ले पढ़ाया जाता है और आईसी के रिपोर्टिंग से लेके हर चीज प्रैक्टिकल कराएगा, और इसके साथ पढ़ाते तो चलो ठीक है थोड़ा वो सब कुछ है, पर यहाँ पर पढ़ाने के साथ में क्या और आपको आपको लगा कि यार यहाँ पे मुझे गाइडेंस भी मिला है और थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशन भी मिला है कि मुझे देखो बनना है तो इन जैसा बनना है, ये चीज मिली है कि नहीं मिली है? ये चीज मिलती है कि नहीं मिली है? क्योंकि पढ़ाते तो सब है, डिसिप्लिन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अगर मैं आपके कंधे पे हाथ डाल के चाय से चाय लगाऊं और फिर बाद में हर 5 रुपया छुट्टा लेने बाहर जाऊं तो ऐसे में आप पढ़ पाते क्या यहाँ पर? कभी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि दोस्तों ऐसे जो इंस्टीट्यूट या दुकानों में जनरली सिर्फ क्या होता है डेली के काम में चक्कर में बच्चा पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उनको भी वो नॉलेज नहीं होता है, वो सिर्फ आईसी वर्क करते हैं। ठीक है थैंक यू भाई, मैं जोरदार ताली बजाई इनके लिए। देखो मैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट को खड़ा कर सकता हूँ क्योंकि जो इनसे पूछ रहा हूँ ये सब बता सकते हैं, पर यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो वो लंबा बन जाएगा, इसलिए छोटे वीडियो के लिए हम सिर्फ 2-3 स्टूडेंट को उठाएंगे और वीडियो को हम कम्प्लीटली एंड करेंगे। मुझे बताओ आपका नाम? विशाल चौहान। कहाँ से? अकोला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से यार, फिर से मैं पूछूंगा जोधपुर क्यों?
सर यूट्यूब पे रिव्यू देखा है, स्टूडेंट का रिव्यू देखा है, बहुत अच्छा लगा। कब से फॉलो कर रहे हैं आप? सर 2 साल हो गए। 2 साल, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर एक बार वीडियो देख कर आ रहा है, आप तकरीबन बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं। यस सर। और आप देख रहे हैं कि एक ऐसा चैनल जो खुद भी टीचरों का भी प्रैक्टिकल वीडियो आता है सर, मतलब क्योंकि टीचर बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हाइड रहते हैं, उनका काम ही नहीं दिखता कि टीचरों को वहाँ पे आता है कि नहीं आता है। आपने देखा होगा कि मेरे कितने सारे वीडियो डले हुए हैं आईफोन एंड्रॉइड को लेकर, मिलन सर के कितने सारे वीडियो डले हुए हैं, हर एक टीचर का वीडियो, उसके साथ स्टूडेंट का प्रैक्टिकल का वीडियो जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर दिखाई नहीं देता, बहुत कम है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं दिखाई देता, बहुत कम है, पर आप मुझे बताओ कि अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बताइए। सर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका है, डीपली समझाते हैं, सिस्टमेटिक है कि नहीं है कि कुछ भी दिन पहले दिन UEFI उठा लिया, दूसरे दिन में ब्लैक पेस्ट करवा लिया, ऐसा तो नहीं है? कुछ नहीं है, बिल्कुल आपको स्टेप टू स्टेप लेके चले कि नहीं चले? जो क्लास था वही सीखने को मिला, जिस दिन जो क्लास था उसी के बारे में सीखने मिला। और इजी लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल सर बहुत इजी लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पूछते हैं तो हम लोग बताते नहीं है, या फिर अगले दिन जो डाउट लेकर आते हैं तो हम बोलते हैं नहीं नहीं अगली क्लास चलो डाउट क्लियर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, तभी डाउट क्लियर हो। चलो मैं आपसे चलो इनसे भी कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। क्या पूछना था? चार्ज तो मैं आपसे इनसे सवाल कर लेता हूँ, तो आप मुझे बताओ कुछ चार्जिंग आईसीओ के नाम बताओ। सर डीसी टू डीसी, जितनी भी पीएम आईसी होगी वो डीसी, पीएमआई होगी वो डीसी टू डीसी आईसी होगी। ओके। बीक्यू आईसी, एमएसबी, एसएमबी, 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 एसएमबी। अब देखो इन्होंने ना ये चीज रट्टा नहीं मारी है सर, पता है अगर आप याद कर लोगे तो आप बोल भी पाओगे। ये सारी चीजें हैं कि हम नोट क्यों बनाते हैं, क्यों जरूरी है बताओ? नोट बनाना इसके लिए जरूरी है क्योंकि कुछ समझ नहीं आया तो पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो वो बात दिमाग में बैठ जाएगी आपको। और सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर आपने नोट के अलावा एक और है जो कि मैं यहाँ वीडियो में रिवील नहीं करूंगा, कि नहीं ये फायदा है नोट से ज्यादा बड़ा फायदा कि आप कभी भी इस क्लास को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये फायदा है कि नहीं है? हम वीडियो में रिवील नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए मेरा चार्जिंग का जो एम्पियर होता है, कब मुझे पता चलता है वो फेक हो रहा है? कब? सर 0.660 से लेकिन नीचे आता होगा तो फेक चार्जिंग पता चलता है। तो उसके लिए मुझे कौन सा डिवाइस यूज करना है? सर यूएसबी हब, यूएसबी टेस्टर, टेस्टर, यूएसबी एम्पियर टेस्टर वो होना जरूरी है। यहाँ पर आने के बाद में टूल की अहमियत कितनी लगी आपको? सर बहुत अहमियत है टूल की, टूल नहीं रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर मैं आपसे बोलूँ किसी भी चार्जिंग आईसी, एक चार्जिंग आईसी में ये बताओ कि कौन सा कैपेसिटर है जो हट जाए तो फेक चार्जिंग आ जाएगा, बताओ। सर सीरीज कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर, उसका नाम आपको पता है कि नहीं पता सबको? हम यहाँ पर नाम नहीं लेंगे। अगर आपको यहाँ पर किसी एशियन टेलीकॉम का रेफरेंस करना है तो क्यों करेंगे, बताइए? सर बहुत अच्छा तरीका आप लोगों का समझाने का, इसलिए बताइए और डीपली समझाते हैं आप लोग। यहाँ पर टीचरों का नॉलेज कैसा रहता है? सर टीचरों का नॉलेज तो बहुत आया है, इतना नॉलेज तो मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगा। अच्छा प्रैक्टिकली नॉलेज है कि नहीं है? क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हिंदुस्तान में 90% टीचर्स सिर्फ देखा दिखाया पढ़ाते हैं, उनको खुद को काम नहीं आता। अगर उनको खुद को आईसी निकालने बोलेंगे या खुद को कुछ करने बोलेंगे तो वो एक सेट ना बना पाएंगे, पर 10 प्रकार की लाइनें जरूर समझा देंगे। पर टीचर वही है जो प्रैक्टिकल भी कर रहा है और लाइनों को भी काम कर रहा है, मतलब क्यों? क्योंकि जब तक नए नए मोबाइल फोन को खुद नहीं बनाएंगे तो उनको फोल्ड कैसे पता चलेगा? वो तो वही वाली बात हो गई, वो जो सीख रहा है वही सिखा रहे। यहाँ पे सारे टीचर खुद प्रैक्टिकल करते हैं कि नहीं करते? सर जितना थ्योरी होता है उतना प्रैक्टिकल भी मिलता है हमें यहाँ पे, तभी जाके समझ में आता है। अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, इनके जोरदार ताली बजाइए। आप पूछते हैं नेटवर्क सेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यार बना पाए या ना बना पाए। हमें अच्छे से याद है, हमने एक स्टूडेंट है हमारे, उनका नेटवर्क सेक्शन बनाया था स्वैपिंग करके, तो स्वैपिंग करने की क्या जरूरत पड़ी थी, चलो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। पर आपसे पूछते हैं आपका नाम बताइए। मयूर मोर। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। फिर जबलपुर क्यों एशिया टेलीकॉम, बताइए रीजन आपका? आप सब साथ में हैं क्या? नहीं सब अलग अलग है, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि तीनों साथ में आए। हाँ जी यहाँ आके पहचान होगी। आप बताओ कि महाराष्ट्र से जबलपुर क्यों? मैंने वीडियोस भी देखे और हमारे इधर के 2-3 लोग पढ़ के गए, उनसे पूछा। सबसे बड़ी बात, वेरी गुड, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया दोस्तों कि इन्होंने वीडियो तो देखे पर इन्होंने रेफरेंस लिया। उन्होंने क्या बोला आपसे, बताओ? बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए कि अगर सीख सकते हो तो वहाँ सीखोगे आपसे। अब बताओ कि आप जब यहाँ आए पहले दिन और अबके में कितना डिफरेंस है मयूर में? बहुत डिफरेंस है। अगर अब मैं आप मयूर से बोलूँ कि मयूर ये लो एक पावर सेक्शन, इसी पावर ऐसी हीट कर रही है, चेंज कर दो, वन टाइम में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? कौन कौन वन टाइम में चेंज कर सकता है? और कस्टमर को डेड ब्रेक्स नहीं देना, कस्टमर को ये नहीं बोलना कि सुला दूंगा, सीपीयू का गेम हो जाएगा, स्कल नहीं गेम होगा, ये कर सकते ही नहीं कर सकते ये, क्योंकि हमने यहाँ पर सीखे हैं तरीकों के साथ में और प्रैक्टिकली। सोला भी देंगे तो उठा देंगे। तो अच्छा मुझे बताइए मयूर, नेटवर्क सेक्शन की बात करते हैं, एंटीना पैड से जब हमारा सर्किट जाता है ऊपर आईसीओ में, क्योंकि नेटवर्क में तो बहुत सारी आईसी होती है, तो कौन सी एक मेन आईसी है जिसके अंदर एंटीना हमारा एंटर करता है, बताइए? 2G। कौन सा 2G?
पीएफओ। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे सेट में दो पीएफओ लगी है, आप अगर दो पीएफओ में से 4G और 2G वाला पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? अच्छा कौन कौन पहचान सकता है? देखते साथ नंबर भी नहीं। वेरी गुड। तो मुझे बताइए मयूर, आपके साथ ऐसा केस हुआ कि सपोज नहीं आ रही है, एक हाई सिलिकॉन का हो गया, दोनों एक ही साइज में लगी हुई है, नहीं आ रही है समझ में, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि वो किसी का? डायग्राम से पढ़ सकते हैं? डायग्राम से नेटवर्क सेक्शन समझ में आ रहा है ना सब लोग? आप डायग्राम में क्या देखेंगे? मान लो दोनों आप खोलोगे तो कौन सी लाइन पर पढ़ोगे? ANT कहाँ पर आ रहा है? चलिए ठीक है, मैं आपको बात करता हूँ। अगर एक पीएफओ निकला आया, सपोज मेरे सेट एक आया, उसमें 4G नॉट बढ़ गई, मेरे पास एक सेट आता है MI का, उसमें 4G सिर्फ वर्क नहीं कर रहा है, GSM आ रहा है पर उसमें LTE नहीं बन रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वो रीजन किसका हो सकता है बताइए? वो IC निकलेगा, 4G IC का। तो अगर आप ये बता दो कि अगर वो IC किसी टेक्नीशियन ने निकाल के ऑलरेडी फेंक दी है, अब आपके पास ना नोज कट पॉइंट है ना आपके पास IC का नंबर है, तो आप कैसे लगाओगे उसको बताइए? डायग्राम से देखकर बता सकते हैं यहाँ पर हर IC का नोज कट पॉइंट। अगर क्रिस्टल एक VCO भी आपका निकल गया और दूसरे सेट से निकालना है तो डायग्राम में उसका भी नोज कट पॉइंट मिलता है, तो ये सब हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे ना ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा टेलीकॉम लोग क्यों ज्वाइन करें बताइए आपके पास? माना से आपके कहाँ से? आप महाराष्ट्र नासिक। नासिक से अगर कोई और नया आना चाहता है तो क्यों आए थोड़ा बताओ? अगर यहाँ पे सब कुछ डीपली नॉलेज चाहिए तभी आना चाहिए यहाँ पर। अगर ऊपरी काम तो सब कर लेते। मैं बताऊँ यहाँ कौन नहीं सीख सकता, मुझे अच्छे से बताओ। यहाँ पे वो लोग नहीं सीख सकते जो पहले कर चुके हैं लेकिन वो अपने हिसाब से चलने वाले, वो कभी नहीं करते। दूसरा और जो मेहनत नहीं कर सकते ये नहीं सीख सकते, ये सबसे बढ़िया था, मतलब सब लोग एक साथ ले गए। कौन नहीं सीख सकता यहाँ पर बताइए? मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कभी हुआ है कि हमने आपको बोला यार कल 1 बजे आ जाना और 3 बजे भेज दिया हो, यार मन नहीं करा, जाओ यार पढ़ लो यार, आ जाके थोड़ा जबलपुर घुमाओ, कभी आज तक हमने आपसे बोला कि आप में से कौन कौन जबलपुर घुमा है? आप तो बताओ, कोई जबलपुर घुमा है क्या? मेरा हार्ट है कितना सारे हुआ है आज तक, इतने आपको यहाँ पर कभी हमने घूमने के लिए बोला? हमने आपका एक संडे भी पढ़ा था, क्योंकि संडे का लॉकडाउन चल रहा है जबलपुर में, अब हट गया है, पर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे बताओ, हमने संडे को होने के बाद भी आपसे बोला कि आप वहाँ बैठ कर रिविजन करो, और आप जितना वहाँ पर, क्योंकि आप जितना अपनी चीजों पढ़ाई हुई चीजों को पढ़ोगे आपके बक्स निकलेंगे, आप हमसे पूछोगे डाउट कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये लाइन चेक कर रहा हूँ तो पता नहीं चल रही कहाँ जा रही है। Instead of this, कि I am telling कि भाई जाओ और जबलपुर घूम कर आओ, क्योंकि अगर मैं जबलपुर घुमाने वाला टीचर होता तो तुम यहाँ पर खड़े होके आज की डेट में तुम रिव्यू नहीं दे रहे होते, तुम अभी भी अंदर दुखी होते, यार मैं तो अभी तक नहीं सीखाया, पता नहीं क्या है, मैं IC भी नहीं निकाल पाया, मैं अभी तक मैं सर्किट भी नहीं समझ पाया, ऐसा लग रहा होता। ठीक है, मयूर के जो डाता नहीं बताइए। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम बताओ? मुकेश। कहाँ से? बिहार से। मुकेश कितने मोबाइल लेकर आए अपने साथ? लगभग 15-20। 15-20, और उसमें से कितने बन गए अब तक तुम्हारे? अभी 3-4 बन गए। 3-4 बन गए। मुकेश अब कितने और बनाने चाहते हो यहाँ पर? पूरे बनाना चाहते हो? बनाना नहीं चाहते, सीखना। सीखना चाहते हैं आप यहाँ? अच्छा बताओ, कोई भी जो इंस्टीट्यूट वाले हैं अगर ये बोलते हैं कि हम आपके सबके मोबाइल बना देंगे तो क्या ये कितना सही है बताओ? ये स्टेटमेंट कितना सही है? बनाना तो कोई भी इंस्टीट्यूट बना के दे सकता है, बिल्कुल, लेकिन सिखाना अलग है। मतलब आप यहाँ बनाने आए हैं कि सीखने आए हैं? सीखने आए हैं, क्योंकि जब आप मुकेश पहले दिन यहाँ आए और अब के में और पुराने मुकेश में जितना भी आपने काम किया कितना अंतर है बताओ? सर बहुत कुछ ऐसा, डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जो हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं। अब तक जो पहले कर रहे थे और अब पहले और अब के में कितना डिफरेंस है मुकेश? बहुत अंतर। अगर यही मुकेश 2-1 साल पहले आता तो क्या होता बताओ? अभी तक तो अलग लेवल पे होते मुकेश, ठीक है, अलग लेवल पे चले गए होते। तो मुकेश से मैं पूछूंगा, सिर्फ मुकेश से सिर्फ एक छोटा सा सिंपल सवाल पूछूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मुकेश बैटिंग रटर पे कितनी सप्लाई होती है? 4 बोलो कौन कौन सी? बी टेम बीएसआई आईडी बीएसआई तो आईडी हो गई, आईडी किस में होती है? आईडी किस में बोलते हैं उसको? सीपीयू से सिग्नल आता है। कौन से प्रोसेसर में सीपीयू में सिग्नल आता है? मीडियाटेक में या क्वालकॉम में? मीडियाटेक में आता है या कॉलकम में? मीडियाटेक में आता है। कौन से प्रोसेसर से आता है? मीडियाटेक के। बाकी कॉलकम में कहाँ से आता है? यही PM। अगर सिंगल PM बिहार से कोई यार नया बच्चा आएगा तो क्या बोलोगे आप उसको, क्यों आए इसे? एशिया टेलीकॉम बहुत बढ़िया से हम लोग को सिखाया जा रहा है, और कोई भी बिहार से आना चाहता हो तो एशिया टेलीकॉम जरूर आए। चलो थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में एक स्टूडेंट और है, आइए। तो यहाँ पे आपका नाम बताओ? मेरा नाम शेख दिशा। कहाँ से? हैदराबाद से। यार हैदराबाद में इतने सारे इंस्टीट्यूट तो यहाँ क्यों बताओ? उनका पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आया।
अच्छा आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट जा चुके हैं क्या? ठीक है, मालूम किया है आपने, गए नहीं है। हम यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लेंगे, ऑलवेज मैं हमेशा हर चैनल पे ये बोलता हूँ कि हमारा चैनल हम अपनी बात करेंगे। मान लो आपने फिर एशिया टेलीकॉम में क्या मालूम मतलब पता किया आपने? सर आपके नॉलेज पता करे, सर आपके पढ़ाने का तरीका, सर आपके क्लासेस और इनके रिव्यूज देखे सर स्टूडेंट से, तब जाके आपको पता चला कि सर इतने सारे स्टूडेंट के रिव्यू, इतने सारे क्लासेस निकालिए, इतने सारा प्रैक्टिकल उनके चैनल पे है, बहुत सारे चैनल पे हर समय वीडियो आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि एक वीडियो आया और एक महीने के बाद दूसरा वीडियो, क्योंकि बीच में एक महीना लापता कहीं है ही नहीं, तो ना सर्किट ना ऐसा लग रहा है, ना क्लासेस लगी है, ना उनके खुद मरे हुए डले हैं, तो ऐसा होता ही क्या हमारे यहाँ? नहीं होता, डेली रेगुलर एक वीडियो आ रहा है, स्टूडेंट को कुछ बता रहे हैं, या टीचरों अपना ही आपस में मोबाइल बना के कुछ ना कोई सोल्यूशन भी दे रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सो आपसे क्या पूछ रहा? ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ कि अगर मेरे पास में एमएसएम सीपीयू आया तो मेरे पास में आर ट्रांस रिसीवर कौन सी आएगी? डब्ल्यूटीआर। और यही एसडीएम आया तो कौन सी आएगी? एसडीआर। तो मुझे बताओ कि कब मुझे एक, मेरे पास एक नो सर्विस का सेट आया, और नो सर्विस के सेट में 90% जो लोग हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो सिर्फ देख कर या यूट्यूब देख कर सीखते हैं, जिनको लगता है यूट्यूब से ज्ञान मिल जाता है, नो सर्विस में डायरेक्ट किस आईसी पे काम करेगी? उस नेटवर्क को सर्च करना पड़ेगा, सारा प्रोसेस सिंगल टू स्टेप टू स्टेप प्रैक्टिकल, और आपने सब कुछ किया है कि नहीं किया है यहाँ पर? यहाँ पे जी आर, अच्छा मुझे बताओ कि जी आर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? आपने सबने किस ने आईसी का जी आर बनाया, आईसी का पैड निकाल के सबने बनाया, मुझे बताओ क्यों इंपॉर्टेंट है? आईसीओ के पैड पढ़ना सर, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अलग अलग तरह के आईसी, ये सब आती है कि नहीं आती है? मुझे बताइए आईसीओ का पैड का जी आर निकालना कितना इंपॉर्टेंट है, एक उसका एग्जाम्पल बताओ क्यों? सर अगर अपने को प्रॉब्लम अगर मालूम, मतलब क्या बोलते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा, तो उसका सर जी आर चेक करना जरूरी है सर, वोल्टेज बन रहे नहीं बन रहे, कनेक्टिविटी है नहीं है, पहले कोई कनेक्टिविटी है नहीं है, या क्या होगा कि मान लीजिए अगर A3 पैड से कोई कैपेसिटर लगा हुआ है और सपोज वही कैपेसिटर लीकेज है, तो आप दुनिया भर में B-band या आप कहीं पर भी आप लगाएंगे या कहीं पर भी आप लीकेज कैपेसिटर नहीं ढूंढ सकते, आप शॉर्ट कैपेसिटर ढूंढ सकते हो, पर लीकेज कैपेसिटर तो वो आप कैसे ढूंढेंगे? उस लाइन पे 1.8 वोल्टेज इंजेक्ट करके, जो कि आप सिर्फ GR और पैड से ढूंढ सकते हैं। मुझे बताओ हैदराबाद से कोई नया लड़का आया तो क्यों आया? अपना हम लोग तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं, वो डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं करने का हमको ज़रा नॉलेज, डीप नॉलेज लेने का, अच्छा पढ़ाने का, सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, 24 घंटे सर एक एक्टिव रहता है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये सर बताते हैं, अपन घर पे जाने का अगर प्रैक्टिस करें तो अपन घर सर को पूछे व्हाट्सएप पे तो सर एक रिप्लाई देते हैं। तो मतलब नया स्टूडेंट क्यों ज्वाइन करें फिर से बताओ, तुम्हारे हैदराबाद में क्यों आ, एक लाइन से और क्यों, क्योंकि इंडिया में ये बेस्ट है कि नहीं ये बताइए? बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। हमारे साथ में पंजाब से, कौन सा शहर पंजाब? सर मैं जलंधर पंजाब से। जलंधर पंजाब से, क्या नाम है सर आपका? जसपाल सिंह। जसपाल, जसपाल कितने साल का एक्सपीरियंस? सर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल से काम कर रहे हैं आप, आईफोन पे भी काम कर रहे हैं, एंड्रॉइड पे भी काम कर रहे हैं। क्यों लगा ऐसा कि अब यूट्यूब से, या क्यों लगा कि ऐसा टेलीकॉम आए, एक अपना ओवरऑल तो एक्सपीरियंस बताओ क्या? सर, मैं 2-3 इंस्टीट्यूट पहले घूम चुका हूँ जी, वहाँ पर सब जुगाड़ी लोग हैं जी, सब टेक्नीशियन है, और जो भी बताया गया मतलब कोई जुगाड़ी बताया है सबने, कोई फॉल्ट पड़ गया तो ये इशू उखाड़ के लगा दो, ये लगा, मतलब डायरेक्ट बता दिया है उसको, लॉजिकल नहीं बताया सर, बहुत सारे ऐसे हमने खराब करके छोड़ दिए बिना मतलब के, अच्छा अच्छा, मतलब उनकी लाइन के बारे में नॉलेज नहीं, कंपोनेंट की नॉलेज नहीं है, जीआर नहीं पता, वोल्टेज नहीं पता, फ्रीक्वेंसी लाइन के बारे में नहीं पता, वो सारी डीप नॉलेज सर यहाँ पर मिली है, वहाँ पे नहीं है। आपको क्यों, कब लगा कि ऐसा टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए, उसको कब से फॉलो कर रहे थे आप? सर मैं तकरीबन 2 महीने से फॉलो कर रहा था। 2 महीने से फॉलो कर रहे थे, फॉलो कर रहा था। तो आपने क्या चीज नोटिस की, क्योंकि देखो ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस, एक झटके भी लगे हैं कि यार बाकी इंस्टीट्यूट से भी घूम कर आए? मैंने बहुत सारे चैनल को चेक करा सर, बहुत सब सबके रिव्यू चेक करे, और एशिया टेलीकॉम के जो स्टूडेंट थे उनके रिव्यू बहुत जबरदस्त थे, बहुत जबरदस्त थे, और आपने देखा होगा कि इनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, बहुत लंबा है सर, मतलब अभी जो स्टूडेंट यूट्यूब पे ही देखा सर आपकी नॉलेज मतलब कमाल थी सर। अच्छा, जो आप कंपोनेंट्स के बारे में जितना डीपली आपने बताया, मैंने सोचा नहीं था कि रेजिस्टेंस इतनी तरह की होती है। आप मुझे बताओ अब आप पहले दिन और आपके में और पुराने वाले और आपके में कितना अंतर सर? मतलब एक कल का ही एक्सपीरियंस था, कल ने सर ने वीडियो भी बनाई मेरी, तो एक हाफ शॉटिंग के चक्कर में मेरे पास 4 महीने का पहले फोन पड़ा था, तो मैंने उसके बदले में एक बोर्ड दे दिया था कस्टमर को। अच्छा, कि भाई वो चल नहीं रहा, तो सर कल एक ही बार में बना दिया सर वो। तो आपको
अब वही एक्सपीरियंस का लाइन की नॉलेज नहीं थी, लाइन की नॉलेज जो सही का नहीं पता था, बी टेम्प का नहीं पता था, आप जो बैट और आप थोड़ा नहीं वो उसको एक्सप्लेन मत कीजिए, मैं बोलता हूँ वो तो एक्सप्लेन आप तब करें जब आप क्लास में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वाकई में आपने सोचा था कि आप चलो आप एशिया टेलीकॉम जाते हैं, या आपने सोचा था यार इसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा यार, अगर यहाँ नहीं सीखा तो यार पैसा बर्बाद है यार, ऐसा सर, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे लग रहा था मैंने बहुत रिसर्च करके यहाँ पे आऊँ सर। पहले दिन और आपके में आप अपने जो सोच कर आया था वो मिला है कि नहीं मिला है? सर बहुत मुझे लगता है पता नहीं आगे पता नहीं क्या कुछ होगा। अच्छा मुझे बताओ एंडलेस क्या होता है यहाँ पर, बताओ एंडलेस क्या सर? मतलब सब कुछ एंडलेस है, मतलब सब कुछ एंडलेस। आपने यहाँ पर टीचर्स की नॉलेज इतनी डीप है कि मैं बता नहीं पाऊंगा। चलो एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, तीन चीज क्या एक टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट है चेक करना, सिर्फ तीन चीज जो एंडलेस पे जाती है सर? जीआर वैल्यू, जीआर वोल्टेज, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, तीनों चीज चेक करवाई कि नहीं करवाई? करवाई सर। डीएसओ से तीनों चीज चेक करवाई कि नहीं करवाई? अब डिस्प्ले की बात करें या ऑडियो की बात करें, हमने हर पर आपको डीएसओ के साथ भी लाइन बताई कि कहां पर डाटा क्लॉक आता है वहां से हम डीएसओ की सप्लाई चेक कर सकते हैं कि तब हमें सीपीयू चेंज करना हो, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ सीपीयू को रिवॉल्व करने तक रह जाते हैं पर हमको पता है कि कब हमको सीपीयू भी चेंज करना हो। आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा, अच्छा आपसे मैं स्पीकर के बारे में पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ स्पीकर ऐसी कौन कौन सी पड़ रही? सर 9 बॉल आईसी है जी। सब लोग खोल के निकालो जाए स्पीकर आईसी, आप सबको दिखाना, आप मत बताओ। 9 बॉल आईसी सर, 14 बॉल आईसी और 16 बॉल आईसी। और ना 16 और 14 में क्या अंतर है सर? उसमें दो पैड मिसिंग रहते हैं सर। दो पैड मिसिंग रहते हैं, दो मतलब एक तरह से एनसी या एनसी है जी सर। और उसके बाद सर एक पीए स्मार्ट पीए जो स्मार्ट पीए, वो कितने बॉल का है सर? वो 42 का, वो स्मार्ट पीए निकालिए सब लोग, आप भी निकाल के दिखाइए। ये देखिए ये स्मार्ट पीए, आप देखोगे अंदर के एक पैड की डाटा सीट बनाई है यहाँ पर। ये देखिए ये अंदर के पैड की, वेरी गुड, दिखा दीजिए सब लोग, अंदर के पैड की डाटा सीट बनाई है यहाँ पर स्मार्ट पीए, यहाँ पर दिखाइए ये स्मार्ट पीए, ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। सो ये यहाँ पर ये जो चीज सीखने आया था ना सर, सच्ची में मतलब मुझे पता नहीं था कि ऐसे के अंदर इतना कुछ होता है। अच्छा बताओ ये एशियन टेलीकॉम के टीचरों का क्या नॉलेज है यहाँ पर? सर बहुत डीप नॉलेज है, बहुत ज्यादा, मतलब एक एक बात इतनी डीपली वो लोग बताते हैं कि मैं सोच नहीं। ऐसा तो नहीं है सिर्फ थ्योरी थ्योरी का नॉलेज रखते हैं, प्रैक्टिकल कुछ करना नहीं आता है? कुछ प्रैक्टिकल लाइव करके दिखाते हैं सर, लाइव करके हम लोग। आपके यहाँ से जलंधर से कोई स्टूडेंट ना आए तो क्यों आ रहा था ये? सर अगर आप लोग को सीखना है, बढ़िया तरीके से सीखना है, डीपली नॉलेज चाहिए तो यहाँ पर जरूर आइए, अगर जुगाड़बाजी सीखनी है तो कहीं से भी सीख कहीं भी। और 10 दिन में आप बताइए काम सीख सकते हैं क्या पूरा? सर 10 दिन में कुछ नहीं आता, एक महीना भी मुझे लगता है कम है। काम अब लगने लगा है, अब लगने लगा है कि नहीं लगा है? क्योंकि आपने देखा कि कितने सारे सेक्शन होते हैं, सिम सेक्शन, एसडी कार्ड सेक्शन, कितने सारे मल्टीपल सेक्शन है यार, इतने सारे सेक्शन को कवर करना। सर पहले पीसीबी इतना छोटा सा लग रहा था, अब पीसीबी को इतने डीपली देख रहे तो नजरिया चेंज हो गया है सर, परेशान हो गया, इतना कुछ होता है उसके अंदर। हाँ चलिए ठीक है, एक बार जोरदार ताली बजा भाई के लिए। हमारे स्टूडेंट नेपाल से, आपका नाम बताइए? मेरा नाम साइलेंद्र, नेपाल से। आप फ्रेशर हैं या काम कर रहे हैं? बिल्कुल फ्रेश है सर, बिल्कुल फ्रेश है। काम भी कहीं नहीं किया। आपने क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले मैं और काम करता था जॉब से, मतलब दूसरा कोई काम करते थे। तो क्यों लगा कि इस फील्ड में आए, मतलब क्या देखा आपने इस फील्ड में कि आप इस फील्ड में आ गए? मेरे फील्ड में आने का इंटरेस्ट था इसलिए मैं यूट्यूब देखता था। इससे पहले आप इंस्टीट्यूट गए किसी? एक इंस्टीट्यूट गया था बैंगलोर में। बैंगलोर में रहते हैं, बाकी नाम मत बोलिए किसी का भी, क्योंकि हम यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं लेते हैं, हमको पता है कि सारे इंस्टीट्यूट ही अच्छे हैं, बट ठीक है बैंगलोर में गए थे तो यहाँ पे क्यों आ गए थे? जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे गए तो वहाँ थ्योरी होता था, प्रैक्टिकल नहीं होता था। अच्छा, और कितने घंटे की क्लास होता था उधर? 2 घंटे की। 2 घंटे की क्लास में कितना महीना पढ़ना है वहाँ पर? वहाँ पढ़ा नहीं, 5 दिन में। 5 दिन में ही आ गए आप यहाँ से, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एशिया टेलीकॉम में अब तक आपका पहले दिन से लेकर 27 तारीख से जो काउंसलिंग की क्लास से लेकर अब तक का क्या आपका फीडबैक है? एकदम फर्स्ट क्लास है अब तक का। ऐसा प्रेशर फील होता है? नहीं सर ऐसा नहीं होता प्रेशर फील, क्योंकि आपने खुद ने कितने प्रैक्टिकल किए, लाइव आईसी निकाल के लगाई है कि नहीं लगाई है? एज अ फ्रेशर आईसी पे काम करना, मैं आपको बताऊं इसमें से बहुत से लोग बैठे हैं जो ये बोल सकते हैं हाथ उठा के कि सर जब हम फ्रेशर थे और जब हम यूट्यूब देख के आईसी निकालते थे तो 1-2 बार 3 बार या 4 बार में कभी भी नहीं लगती थी। कौन कौन है जो ये करते थे पहले, जिनकी आईसी कभी नहीं लगती थी यूट्यूब से देखकर, जो पीपीटी पेज वेट का वेस्ट कर देते थे, अपना स्टेंसिल हीट कर देते थे, स्टेंसिल लोड देते थे, ऐसा ही होता था ना? और यहाँ पर आपने देखा कि 1 टाइम आपने आईसी निकाली है, कोई नेपाल से आना चाहे तो क्यों आया? क्यों मैं इधर क्यों आया? तो मैं सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद एक इंसान बुक भी लिख सकता है तो वो पढ़ा भी सकता है अच्छा से बोल के मैं इधर आया। अच्छा आपने देखा कि एक इंसान बुक लिख सकता है तो पढ़ा भी सकता है, ओके हाँ। इसलिए मैं आ गया। तो कोई नेपाल से आना चाहते हो तो ये टेक्निक का लाइन है, टेक्निक सीखने के लिए बहुत लोग का साथ आना पाना मुश्किल है, इधर 5 टीचर का
टेक्निक मिल सके। एक टीचर की टेक्निक से आप पढ़ पाना, तो इसमें वही पांच टीचर की टेक्निक मिलकर पढ़ाते हैं, तो अलग अलग टीचर अपने अलग अलग वे से बताते हैं और अपना अलग अलग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। सारे टीचर यहाँ पे बेस्ट है कि नहीं है? सब टीचर बेस्ट है यहाँ पर, सब कोऑपरेट करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियां बजाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा 28 जून हमारे एशिया टेलीकॉम का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी का बैच का आउटपुट। इसी तरह जुड़े रहो चैनल के साथ और सब्सक्राइब करो, और इन्हीं का ब्लैक पेस्टेड का पूरा निकालने का लाइव वीडियो अगर आपको देखना है तो फेसबुक में ज्वाइन करना। कौन कौन यहाँ पे लाइव ब्लैक पेस्टेड निकाल के बताएगा आने वाले वीडियो में, ये देखिए। तो यहाँ पर लाइव ब्लैक पेस्टेड सीपीयू निकलवा के इनसे हम एक वीडियो बनवाएंगे और वो वीडियो हम अपने फेसबुक में लाइव करेंगे, और उसके लिए आपको फेसबुक में जाकर हमको फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच ये देखने के लिए, और एक साल इन बच्चों के साथ कहेंगे कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करना है तो कल ही कॉल कीजिए 12 और 5 बजे के बीच में, और अपनी सीट तो बुक कराइए। अभी हमारा मई जो बैच है वो आपको मिल जाएगा, और कोशिश करो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये समझो कि आपकी सोने की चाबी है, इतना कुछ लेके जा सकते हो आप। हम आपको आईसी रिबॉल करना, आईसी के ग्लू पेस्टेड काटना, आईसी लगाना, आपसे हम सीपीयू एमएमसी पावर सबका काम कराएंगे, प्लस हम आपको पूरा सर्किट का नॉलेज देंगे और लाइफ टाइम फ्री अपडेट आपको देंगे, फ्री क्लास आपको देंगे, कोई रिचार्ज जैसा कुछ भी आपको, कोई टॉप अप वाउचर या कोई पेड या 20-30% आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद कॉल करके आपको बुलाएंगे, समय समय पर हम आपको कॉल करते हैं। हम अपने स्टूडेंट को हर 3 महीने के बाद में खुद परखते हैं कि किस स्टूडेंट को क्या ज़रूरत है, हम उसको कॉल करते हैं, उसको अपडेट के लिए बुलाते हैं। UFI की बात करें और UFS की बात करें, हम दोनों चेंज करना आपको सिखाएंगे, प्रॉपरली डैमेज होने पर कैसे करेगा, तो ये पूरा काम आप एक बार में नहीं सीख सकते, इसलिए आपको अब 2 बार आना ही पड़ेगा। तो ये मान के चलो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करोगे तो किंग जरूर बनोगे, पर एक समय देकर 10-15 दिन का कोर्स करके दोस्तों आप अपने से पैसा बर्बाद करेंगे। आई होप आप समझ गएंगे मेरी बात, और ज्वाइन करें इस टेलीकॉम अच्छे भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?